कल रिजल्ट से पहले आज ये स्टॉक लगभग 7% से भी ज्यादा की तेजी दिखा रहा है। तो आखिर ऐसी क्या कोई न्यूज है जिस कारण ये तेजी देखने को मिल रही है, या आप कह सकते हैं कल क्या कोई कह सकते हैं बाजार इस बात की ओर संकेत देने की कोशिश कर रहा है कि कल इसके रिजल्ट कोई बहुत बहुत ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों में कुछ आप कह सकते हैं न्यूज भारत सरकार की तरफ से भी आई है जो स्टॉक में कह सकते हैं थोड़ा सा पुश देने की बातें कह रही है। तो इन तमाम चीजों में चर्चा करूंगा। और क्या ये 7% की तेजी निवेशकों को फंसाने के लिए तो नहीं है? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, इन तीनों सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो कोई बहुत ज्यादा बड़ी नहीं होने वाली, बस अपना व्यू रखने वाला हूं दोस्तों। लेकिन जब वीडियो आगे बढ़े उससे पहले मैं एक डिस्क्लोजर आपको दे दूं कि मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की स्टॉक में इन्वेस्टमेंट हो सकती है दोस्तों, जो कि थोड़े निचले स्तरों पे है। ठीक है, तो अब स्टॉक के ऊपर आगे चर्चा करता हूँ। लगभग 15-20 दिन पहले मैंने स्टॉक के ऊपर वीडियो बनाया था दोस्तों। ठीक है, तो अब चलते हैं कि आखिर ये तेजी क्यों हो रही है। सबसे पहले दोस्तों कल इसके नंबर आने वाले हैं, यानी कि 20 जनवरी को। उससे पहले ये 7% की तेजी है। इसको लेकर के आप देखिए, हाई पिछले दोनों में बहुत सारे आए। पहला 150 करोड़ का राइट इशू, फिर भारत सरकार ने कहा कि भाई हम 20% कह सकते हैं आप इथेनॉल ऐड करेंगे। और मिष्ठान फूड ने पहले ही कहा है कि जो फूड ग्रेन से निकलने वाला इथेनॉल होता है वो एक फैक्ट्री लगाने वाले हैं, ये इन्होंने बहुत पहले कहा था। तो ऐसे में ये जो भारत सरकार की तरफ से पहल है ये बहुत ज़्यादा अच्छी है। ठीक है, लेकिन दोस्तों आप एक चीज़ समझिए, क्वार्टरली रिजल्ट से पहले जब भी कोई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग जाता है ना दोस्तों, उसके बाद उसकी गिरावट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, और हाइप अपनी जगह है, तमाम चीज़ें अपनी जगह है। कंपनी ने लास्ट 2 क्वार्टर में लगभग 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट्स दिए हैं। और यदि इस बार अगर ये 11 करोड़ से नीचे अपना नेट प्रॉफिट देता है दोस्तों, या थोड़े कह सकते हैं बड़ी गिरावट आपको इनके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगी, तो जो तमाम तेजी है ना ये उल्टा एक बहुत बड़े गिरावट में बदल जाएगी दोस्तों। जी हाँ, आप देखिए कल के जो उसके Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होने वाली है वो है इनके Q3 के जो रिजल्ट हैं उसमें इनका नेट प्रॉफिट में किस तरह से परफॉर्मेंस रहने वाला है। पिछले क्वार्टर यानी सितंबर क्वार्टर में इन्होंने 11 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट दिया था। और यदि यदि ये 11 करोड़ से ऊपर चलते हैं, मैं आपको एक बता दूं, अगर 11 करोड़ से नेट प्रॉफिट ऊपर आता है और उसके बाद भले ही थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिले, लेकिन उसके बाद एक नई सेट ऑफ रैली मुझे लगता है इस मिष्ठान फूड में आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर 11 करोड़ से प्रॉफिट काफी नीचे रहते हैं और स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका रहता है, तो गिरना नहीं दोस्तों, बहुत बड़ी गिरावट आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी। ठीक है, और मिष्ठान फूड के लिए दोस्तों देखिए, आने वाला समय ना बहुत ज्यादा मुझे लगता है दोनों स्तरों पर है। जिस तरह के इनके प्लान्स हैं, अगर इन प्लान्स में वो कामयाब होते हैं बनाने में दोस्तों, तो मुझे लगता है मिष्ठान फूड उन चुनिंदा स्मॉल कह सकते हैं मल्टीबैगर स्टॉक में होगा जो आपको मल्टीफोल्ड रिटर्न दे सकते हैं। यानी अगर ये 10 रुपए का, तो शायद ये आपको 50-100 रुपए भी आते हुए दिखाई देते हुए रिटर्न 50-100 रुपए भी आपको इसके स्टॉक प्राइस जाते हुए देख सकते हैं। लेकिन अगर इसमें प्रॉब्लम आती है, क्योंकि देखिए स्टॉक जो जिस तरह के इनके प्लान्स हैं उनके इनको फंड लेना पड़ेगा, इनको फंड रेस करने पड़ेंगे, और राइट इशू के थ्रू ये 150 करोड़ कर ही रहे हैं, और आने वाले समय में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ेंगी, ये अपनी बैलेंस शीट को कैसे बना के रखते हैं, तो ये तमाम चीज़ें हैं जो आप कह सकते हैं मिष्ठान फूड के लिए एक चैलेंज होने वाला है दोस्तों। ठीक है, और मुझे ये लग रहा है कि लॉन्ग टर्म में ये चीज़ें हैं जो एज ए इन्वेस्टर हमें देखनी पड़ेंगी। और मिष्ठान फूड में मैं इसीलिए कह रहा हूँ दोस्तों, हर एक क्वार्टर रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें बहुत ही कह सकते हैं आप बहुत ही सावधानी से इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स को पूरी स्तर पे पढ़ना चाहिए। इसके क्वार्टरली रिजल्ट में हर एक चीज़ में पढ़नी चाहिए कि क्या जो इनका मिशन है, जो इनका विजन है, ये पूरा हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। क्या सिर्फ ये एक उन चुनिंदा स्टॉक में बन कर रह जाएगा जो थोड़ा ऊपर जाते हैं और वापस से गिर जाते हैं? ठीक है, तो ये चीज़ हमें देखना पड़ेगा। और ये जो तेज़ी हो रही है, ये कल क्वार्टरली रिजल्ट है उसके पहले की तेज़ी है। और यदि 11 करोड़ के नेट प्रॉफिट से ऊपर इनका नेट प्रॉफिट आता है दोस्तों, तो आप देखेंगे ये तेजी नहीं रॉकेट बन जाएगा दोस्तों ये स्टॉक। ठीक है, सो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर
मैं फिर आपसे यही बात कहना चाहूंगा कि सिर्फ इसलिए कि 9 रुपए का स्टॉक है, 8 रुपए का स्टॉक था, इसलिए निवेश नहीं करना है दोस्तों। आप समझिए स्टॉक के ऊपर कि इसके विजन्स क्या हैं, आप समझिए मिष्ठान फूड लॉन्ग टर्म में क्यों अच्छा हो सकता है, क्या चैलेंजेस हो सकते हैं। कंपनी मुझे अच्छी लगती है, नो डाउट, इसीलिए मैंने किया है, लेकिन अभी भी एक ये हाई रिस्क स्टॉक है दोस्तों। लगभग 1000 करोड़ रुपए का भी इसका मार्केट कैप नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आप समझिए आप जिस कंपनी में निवेश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, और अगर बाजार गिरेगा तो ये भी गिरावट दिखाएंगे। 8 रुपए 90 पैसे के आसपास से लास्ट टाइम से ये बाउंस किया है यहाँ तक, तो 8 रुपए 90 पैसे एक बहुत स्ट्रांग सपोर्ट है स्टॉक का दोस्तों। तो मैं आपसे यही कहूँगा, रिसर्च करके पढ़ें। ऑलरेडी मिष्ठान फूड के ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसे जाके आप ज़रूर देखिएगा, ताकि वो आपके रिसर्च में हेल्प करेगा कि इसमें निवेश करें कि नहीं करें। और आज की जो ये 7% की तेज़ी है दोस्तों, मुझे रिजल्ट्स के पहले इतनी बड़ी तेज़ी कभी भी अच्छी नहीं लगती है, मैं आपको साफ बता दूँ। अगर रिजल्ट से पहले बड़ी गिरावट होती है वो ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि उसके बाद अगर बाजार ने जो एस्टिमेट किया था उससे थोड़ा भी अच्छा रिजल्ट आता है तो एक काफ़ी अच्छी सेट ऑफ रैली आपको देखने को मिलती है। तो कल का दिन मिष्ठान फूड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 11 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट से ऊपर ही चला जाता है, 13 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ और अगर 15 करोड़ चला गया दोस्तों, फिर तो खैर ये अपर सर्किट ही लगाने लग जाएगा। लेकिन मुझे लगता है इवन 12 13 करोड़ भी अगर आता है दोस्तों, तो बाजार उसे काफ़ी पॉजिटिव लेगा और हमारा लॉन्ग टर्म जो विजन है, जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टस है, वो काफ़ी मजबूत होगा। रिजल्ट के बाद दोस्तों स्टॉक कहाँ जाएगा ये कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हाँ, एक अच्छा रिजल्ट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस को और मजबूत करता है। मैनेजमेंट की कमेंट्री क्या है ये भी देखने को रहेगी। तो ये तमाम चीज़ें अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि मैं मिष्ठान फूड के क्वार्टरली नंबर्स को आपके साथ शेयर करूं, तो कमेंट बॉक्स बताइएगा, मैं कल जब रिजल्ट आएगा आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा एक कंप्लीट एनालिसिस का, या जब भी पूरी तरह से समय मिलेगा तो एक पूरा एनालिसिस करके बनाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।